नमस्कार, मैं जिगिशा और एटीएन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में खुलेआम बेची जा रही है विदेशी अल्कोहलिक बियर। अहमदाबाद के अस्पताल में जुड़वा बच्चों की मौत से बवाल मचा, डॉक्टर पर लगाया आरोप। अहमदाबाद के एक स्कूल में राष्ट्रगान के समय में बैठे रहने वाले 39 शिक्षकों को नोटिस। अहमदाबाद हाईकोर्ट के फर्जी जज बनकर निसंतान दंपति को घर से निकाला। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन करीब ट्रेन की चपेट में आए 3 युवकों में से 2 की मौत। वापिस स्कूल के 12 विद्यार्थियों ने सिलवासा में पी शराब, 2 हुए बेहोश। शामलाजी भिलोड़ा मार्ग पर अकस्मात में आर्मी जवान सहित 2 की मौत। अहमदाबाद में मानहानि के मामले में पेश होने से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। साबरमती जेल से बिरजू सरला के पास से मोबाइल हुआ जब्त। अहमदाबाद जिला पंचायत की जर्जर इमारत का निर्माण का काम किया जाएगा। अहमदाबाद के करीब गांव के मार्ग पर जंगली जानवर जरख का भय। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली के विदाई समारोह पर सीएम विजय रूपाणी ने दी भेंट। अगले 4-5 दिन में बारिश नहीं हुई तो सौराष्ट्र में मूंगफली कपास का हिस्सा सूख जाएगा। वडोदरा कोर्ट में समन्स के लिए गए कांस्टेबल पर हुआ हमला। बिजली के तार लूटने के आरोप में वडोदरा शहर के आरोपी 3 साल बाद हिरासत में लिए गए। सूरत की फैमिली कोर्ट की लोक अदालत में 78 केसों का निकाल हुआ। आज से गुजरात में बहनों के लिए 5 दिन के जया पार्वती व्रत की शुरुआत। भावनगर शहर के अंबावाड़ी सड़क चौड़ा करने के लिए पेड़ों की गिरावट। गांधीनगर के हर प्राथमिक विद्यालय में पेड़ लगाए जाने का आदेश। गांधीनगर में दूषित पानी के बीच रहने वाले बोरीजनों गांव के लोग।